आपने दाल तो बहुत सारी खाई होंगी बट आपने कभी भी सूरजा की दाल नहीं खाई होगी। तो चलिए आज आपको खिलाते हैं हरिद्वार की प्रसिद्ध सूरजा की दाल। तो आप देख सकते हैं ये है अंकल जी का सेटअप, इतनी बड़ी परात में इतना सारा ये वजन उठा के डेली ये यहीं पे रोड के किनारे पे बेचते हैं। तो चलिए अंकल जी से ही बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। तो ये कब से आपने खोली है वाली अपनी ये छोटा सा जो आपका ये है स्टॉल? सन 83 से खोल रखा। सन 83 से? तो उससे पहले आपके फादर साहब बेचते थे? हाँ जी। वो कौन से सन से बेच रहे हैं? वो तो बचपन से बेच रहे, बचपन से। अच्छा, बचपन से बेच रहे हैं। वो हलवाई का काम जानते थे ना। अच्छा, वो तो बचपन से लगाते। और कितने रुपए की होती है आपकी दाल? जितने रुपए, 5 रुपए कोई हाथ पधर दे 5 रुपए की दे देता हूँ, 10 दर दे 10 की दे देता हूँ। छोटा ही काम है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, 5 रुपए की भी दे देते हो इतनी महंगाई में? हाँ जी। इतने में बचता क्या होगा अंकल जी आपको? बचता बचता नहीं, लोकल दुकानदारी है यहाँ पर, बहुत पुरानी है। हाँ जी, तो उसकी वजह से देना पड़ता है। हाँ जी, लोकल ही ग्राहक है मेरा। तो ये पत्ते ही पड़ जाते होंगे 1-2 रुपए के तो मेरे ख्याल से? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये पत्ते ही इनके 1-2 रुपए के पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी दाल है गर्म होती रहती है। और दाल में कितने प्रकार की दाल होती है आपके पास? ये तो मूंग की दाल है, इसमें 3 तरह के स्वाद है, एक अच्छा है, एक लड्डू है, एक खुरचन है। अच्छा, 3 तरह की होती है एक ही दाल के अंदर? ये है तो मूंग की दाल, लेकिन ये पिताजी के नाम से भाई जी वो है। तो इसे क्या बोलते हैं? सूरजा की दाल। इसे सूरजा की दाल बोलते हैं, पिताजी के नाम से ही बोलते हैं। तो अच्छा, तो इनके पिताजी का नाम सूरजा था? सूरजमल। सूरजमल। तो जब से ही ये फेमस हो चुकी है जी सूरजा की दाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे घुटी भी रखी हुई है और एक साबुत दाल है। अंकल जी, आप हरिद्वार में इतने टाइम से फेमस है, तो मतलब क्या स्वाद है, क्या राज है आपकी इस दाल का? ये तो मसालों का स्वाद तो मसालों से आता है। अच्छा, अपने अपने हाथ की बात होती है बस। हाँ जी, किसी के हाथ में यस होता है, किसी के हाथ में यस नहीं होता। हाँ जी। तो लगभग 100 साल है आपकी पुरानी, मतलब पिताजी के टाइम से? हाँ, पिताजी बेचते पहले। अच्छा अच्छा, जब से उसके बाद आप बेच रहे हैं? सन 83 से मैं संभाल रखता पिताजी का काम। ये अभी आप घुटी वाली दाल बना रहे हैं? हाँ जी। तो ये देख सकते हैं जी, गरम मसाला आ गया, नमक आ गया, और ये क्या है? खटाई। खटाई। और इसको बढ़िया तरीके से कर देते हैं यहाँ पे मिक्स। तो आप शुरुआत से पत्तों भी बेच रहे हैं? हाँ जी। तो ये अभी कौन सी बना रहे हैं आप? लड्डू की। लड्डू की दाल बना रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये कौन सा मसाला चला गया? गरम मसाला। गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, और ये कौन सी आपकी मिर्च होती है? भुनी हुई मिर्च है, सरसों के तेल में। हाँ जी। और ये आ गई जी खटाई, और आ गया जी एक नींबू। तो ये कितने रुपए की होगी? 20 रुपए। ये 20 रुपए की होगी। और इसको फिर कर दिया जाएगा जी मिक्स। और अंकल जी, इस उम्र में भी आप अंकल जी की स्पीड देखिए, कम से कम ये 10-5 मिनट में 10 से 15 कस्टमर आराम से निपटा देते हैं इस उम्र में भी। खिलवा। ये खिलवा दाल है? हाँ जी। तो ये देखिए जी, ये दानेदार दाल होती है बेसिकली। और ये आ गए जी सारे मसाले इसके अंदर, और इसको मिक्स करके, और आएगी इनकी खटाई, मिक्स करके ये होगी जी रेडी। तो आप ये देख सकते हैं, ये है इनकी खिली हुई दाल, और वो थी इनकी एकदम लड्डू की दाल। अंकल जी, सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 8 बजे। और शाम तक? नहीं नहीं, ये जब तक ये पतीली नदी का जब तक बैठे रहते हैं। अच्छा, जब तक बैठे रहते हैं। अंकल जी, थोड़ा सा दाल के बारे में बताएंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे आप इसको तैयार करते हैं? ये करके तार करके धो करके बनाते हैं बस। अच्छा, धोकर ही बनाते हैं, उसके बाद जो सारा काम है वो मसालों का आपके। आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे दाल? जब से 50 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं 8 साल की उम्र से खा रहा हूँ। 8 साल की उम्र से खा रहे हैं यहाँ पे दाल? ओह भाई साहब, तो यहाँ पे लोग बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं खाने, और पुराने टाइम से अंकल यहाँ पे बेच भी रहे हैं। तो भाई, सुबह सुबह का टाइम है और हरिद्वार में अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ी है आज, तो इसकी यहाँ पे इनकी लड्डू की दाल भी ट्राई करते हैं। एकदम घुटी हुई दाल कहते हैं ना, देखिए, तो ट्राई करते हैं इसको। एकदम सिंपल है, ज़्यादातर मसाले का फ्लेवर आ रहा है इनका। सुबह सुबह अगर हमें एक घुटी हुई दाल, एकदम बढ़िया सा हेल्दी सा नाश्ता मिल जाए, तो एकदम आनंद आ जाता है खाने में। तो आप कभी भी हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पे सूरजा की इनकी दाल जरूर ट्राई करना। तो एक बार इनकी खिली हुई दाल है वो भी ट्राई करते हैं। तो ये इनकी खिली हुई दाल है, एकदम दाने दाने होते हैं, ये बेसिकली घुटी हुई नहीं होती, तो उसको भी ट्राई करते हैं। इसका थोड़ा अलग फ्लेवर है,
ये थोड़ी खट्टी खट्टी है और मजा आ रहा है खाने में। एक ही पतीले में ये तीन दाल रखते हैं, एक तो इनकी खिली की दाल होती है, एक लड्डू की दाल होती है, एक होती है खुरचन। तो सबसे बढ़िया जो होती है वो होती है खुरचन। तो खुरचन एकदम जब दाल खत्म हो जाती है ना एंड एंड में निकलती है, उसे ये बोलते हैं खुरचन। उसका भी अलग टेस्ट है, मतलब तीनों दाल का अलग टेस्ट होता है। तो जी एक बार यहाँ पे ट्राई करना तो बनता है। इसी के साथ अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शपथ है।